कुंवर प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश शालिनी मिश्रा के साथ। मैहर, कुंवर प्रताप सिंह एवं उनके भाइयों ने अपने साथ हुए मारपीट को लेकर निष्पक्ष जांच करवाने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुँच कर दिया ज्ञापन। मामला दिनांक 1 नवंबर 2024 को रात्रि लगभग 7:30 बजे शारदा देवी धाम बंधा बैरियर के पास वृद्धा आश्रम वाली गली के पास का है, जहां पर विगत दिनों कुंवर प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, अंकित प्रताप सिंह तोमर जो कि फुटपाथ की दुकान पर थे, तभी वहां पर कुछ लोग आकर तीनों भाइयों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, जिस कारण कुंवर प्रताप सिंह एवं उदय प्रताप सिंह को काफी चोटें आईं। शोर मचाने पर मारपीट करने वाले भाग निकले। कुंवर प्रताप सिंह ने बताया, मारपीट करने वालों में विकास पांडे, अजय बिहारी, साहिल, पंकज सिंह टिर्रा, गगन सिंह एवं कई अन्य लोग शामिल थे। कुंवर सिंह ने बताया, जब मैहर थाना में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उल्टा हमारे ऊपर ही मारपीट का केस दर्ज कर दिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी विषय को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि बंधा बैरियर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है। विनय पांडे के भाई लोगों ने मंझल, अजर बिहारी और इनके साथ कम से कम 30 लोग मिलके हमारे साथ जानलेवा हमला किए हैं, हमारे साथ झगड़ा किए हैं। हाथ पैर हम लोगों का तोड़ दिया गया है, हमारे भाई के चोट आई है और हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी सुनवाई थाने में नहीं हुई है। ये कब की घटना है? ये 1 तारीख की घटना है। तो आपको किन कारणों से, मतलब इन लोगों ने मारपीट किया है? ये वहाँ पर जो दुकान है हमारे छोटे वाले भाई की, वहाँ पर एक जस्ट बगल से एक जिला बदल अपराधी रहता है पवन सिंह, जिसका आए दिन कोई ना कोई कारण से मैटर बनता रहता है। वो आए दिन झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है। इसी मना करते हुए मेरे छोटे भाई से उसका विवाद हो रहा था, तो हम आवाज़ सुन के वहाँ पे जब आए हैं, उसको मना किए हैं कि झगड़ा मत करो, तो ये लोग पीछे से आके हमारे ऊपर हमला कर दिए हैं। ये लोग कम से कम 30 लोग थे मारने वाले, और थाने में भी ये लोग आए हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, तो इन्होंने अपनी राजनीति करके हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है कि ये हैं, तब हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है वहाँ पे। तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई उधर? हमारी रिपोर्ट बाद में लिखी गई है। जब आप थाने में गए हैं, मैहर थाने में जी, आपके साथ वहाँ पे क्या व्यवहार हुआ? आपकी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं लिखी गई? हमारी रिपोर्ट बहुत बाद में लिखी गई है। तो ये लोग जो आपके दूसरा पक्ष है जी, ये आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा है, आप जैसा अभी पूरे बताए हैं जी जी जी, इन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है जी। उन्होंने हमारे खिलाफ, हमको मारा भी और हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी इन लोगों ने दर्ज कराई है। आप एसपी ऑफिस में आए हैं तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते कि विवेचना हो, वीडियो फोटोग्राफी निकाली जाए और एक बार फिर से चेक किया जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। मतलब आप चाहते निष्पक्ष जाँच हो? निष्पक्ष जाँच हो, जो दोषी हो जी उसको सजा दी जाए। और इसमें हमारे साथ मारपीट करने वाले मंझल पांडे, अजर बिहारी, पंकज सिंह, गगन सिंह, पवन टिर्रा और इनके साथ 30 लोग और, ये लोगों ने मिलकर हमारे साथ जानलेवा हमला किया। अन्य 30 जी, अन्य 30 थे ये लोग।